हेलो, वेलकम बैक माय चैनल। अज है दिवाली, सारिया नू मेरे वालों हैप्पी दिवाली। दिवाली दियां बहुत बहुत मुबारक। सवेर का टाइम आ ते उस बाद आपां पहलां चले आ, मतलब दिन की शुरुआत करन तो पहलां आपां गुरु घर जाके शुक्रिया अदा करके आने आ कि सानू इन्ने योगा किता आ, मतलब भी आपां दिवाली अपनी धूमधाम नाल मना सकीए। तो पहला आपां शुक्रिया अदा करते हैं, फिर उस तो बाद थोनू मैं अपना सारे घर का वो दिखाऊंगी, मतलब रंगोली भी बनाई सी मैं ये तो सब कुछ किया, मतलब थोनू मैं सब कुछ दिखाऊंगी। मतलब ज़्यादा भी मैं मतलब रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी हैगी, जो जो घर होंगे थोनू पता ही आ, गैसट आए हुए सी उहदे करके थोड़ी जी मैं उधर बिजी रही हाँ, तो जिन्ना क भी हो सके मैं थोनू दिखाऊंगी। तो पहला आपां मत्था टेक लिए, उस तो बाद आपां घर चलते हैं। तुसी देख सकते हो आपां घर आ चुके हाँ, तो मेरी सफाई वगैरह हो चुकी है, उस तो बाद मैं रंगोली बनानी शुरू कर दी आ। वैसे मैंने रंगोली बनानी तो नहीं आती, तुसी देख सकते हो मैं पेपर यूज़ किया, तो पेपर से जिदा जिदा ड्रॉ किया हुआ सी मैं उदा उदा उहदे रंग भर दिते आ। इन्हें कोई खास मतलब मुश्किल नहीं लगी मैंने रंगोली बनानी, क्योंकि पहला ही तो वह पेपर कटिया हुआ तो मैं उहदे सिर्फ कलर ही भरने हैं। ते थोनू पता भी वैसे साढ़े रंगोली तो बनाते नहीं है, पर मेरे थोड़े जे थोनू पता ना बच्चों स्कूलों के ये सब कुछ सिखाया जाता, तो बच्चों हों चलो बच्चों की खुशी लिए सब कुछ करना पैंता, तो साढ़े रंगोली बन के तैयार हो चुकी है। तो उदो बाद बस जी होर थोड़े जे घर के काम कर लाँगे जो रेंदे अपने। चलो जी हुण आपां तुहानूं बाहर मिलते हैं, क्योंकि बाहर मैं रंगोली बनाउणा नहीं चाहुंदी सी, क्योंकि उत्थों हल्की जी हवा चलती सी, मैं सोचती सी भी ना रंगोली बनावां बाहर, पर मेरे बेटे ने कहा भी मम्मा नहीं बाहर आपां बना लैंदे आ, पर मेरी रंगोली नूं ज़्यादा वधिया मतलब मेरे बेटे ने रंगोली बनाई, तुसीं देख सकते हो। मैं तुहानूं पहलां भी कहा मैनूं रंगोली बनाउणी नहीं आउंदी, क्योंकि साडे सब कुछ नहीं करदे आ, चलो बच्चिआं लई सब कुछ करना पैंदा, तुहानूं पहलां भी कहा मैं। देखो उहने गेट दे बाहर किन्नी सोहणी रंगोली बनाई आ। हाँ जी, उस तो बाद मैं थोनों अपना कमरा मतलब दिखाउण लग चुकी हाँ, क्योंकि मैनू अपने आप नूं ही मतलब कमरा बहुत ज़्यादा वधिया लगता सी, तो तुसी देख सकते हो कितना वधिया लगता है सारा कुछ। मतलब मैं मैनू दिवाली वाले दिन इदां हुंदा मैं हर एक चीज़ न्यू मतलब करके रखा, मतलब जद बैडशीट भी न्यू आ, हर एक चीज़ न्यू मतलब बिछावा मैं, तो तुसी देख सकते हो किदां दा लगता, मैनू दस्सिओ जरूर मतलब किदां दा लग्गिआ थोनों। इत्थे रंगोली बन के तैयार हो चुकी आ, उस तों बाद आपां तुहानूं दिखा दिंदे आ ड्रैइंग रूम। तो एक साइड ते रखे आ मैं दीए, दीए तुसीं देख सकदे हो किन्ने वधिया लगदे आ। तो असीं घर मतलब कुछ नहीं बनाया, तो गीत दे पापा मतलब बाहरों ही ले आए सी, तो तुहानूं पता ही आ मतलब भी गैसट आए हुए आ उहनां करके थोड़ा ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हुंदी आ, तो कीत उहनीं इत्थे खाण लगे आ, तो तुसीं भी खा लो सारे जाने। वैसे ये वीडियो थोड़ी जी लेट जाऊगी, क्योंकि तुम्हें मैं पहला भी दस्या भी मतलब प्रॉब्लम होंगी है गैसट आना करके, तो ये पापा खीर दे मिठाई ले आए आ, तुम देख सकते हो आता केक आ, मतलब केक के उत्ते मतलब मैनू नहीं पता ही लगाया। उस तो बाद आवली मिठाई है, तुम भी खा लो मूँह मिठा कर लो दिवाली वाले दिन। साडे मतलब इन्होंने चीजा का भी रिवाज आ भी मतलब भी दिवाली वाले दिन ना जामन टक लाने इदा कुछ करते हैं। काफी पटाके ले आया खोरा आलू बंब का डब्बा, इतने एक आलू बंब का डब्बा पे,
अनार ये सिंपल अनार ने, या सेवन शॉट्स ने, या मैजिक बॉक्स ने बच्चे वाले, ते आ सब तो मेन चीज स्काई शॉट्स तड़बा इतना बाग दे स्काई शॉट्स ने मैं तो बात करती हूँ ना ते देख सा दे जिधर आपको पहला आओ इस स्काई शॉट्स देखते थे ये छोटा साइज आ मतलब कि बड़े साइज ने मतलब क्या मतलब कि नेड़े फुट जो गए उच्चे आगे फुट गए। अच्छा है हुन तुसी कदो चला रहे हैं रात में दिवाली थे चलो या 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 देख सकते हो कीर्त किन्ने ज्यादा पटाके ले आए आ दिवाली ते। वैसे मैं मना भी नहीं कर दी क्योंकि थोनु पता बच्चों का शौक होंगे और तो बाद आप मतलब शाम टाइम मत्था टेकन चले हाँ आ मैया जी से चले गए हैं और तो बाद आप गुरुद्वारे जावे ਆਪਾਂ ਘਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਕੀਰਤ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੀਏ ਲਗਾਉਂਗੀ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੀਏ ਰੱਖ ਦੂੰਗੀ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਰਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੰਮਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਮੰਮਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਲਿਆ ਦੀਏ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਕੀਰਤ ਹੁਣ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਓ ਚਲੋ ਜੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਹੈ।